लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, तो यार जो मेरे चाहने वाले सब देख रहे हैं, मैं यही गुजारिश करूँगा कि शाहज़ेब भाई को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियोज़ को जो है लाइक किया। देवी व्लॉग और आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल से देख लिया होगा कि मैंने कोलैब किया है बलोच भाई के साथ। वो बहुत पाकिस्तान के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, तो मैंने उनके साथ कोलैब किया है। तो ये स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। आज से एक महीने पहले मैंने बलोच भाई को इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था, तो जब मैंने उनकी तस्वीरें देखी तो वो हमारे इलाके में आए हुए थे पहले ही बीमार में। तो मैंने उनसे व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे बात की, इंस्टाग्राम से बात करने के बाद व्हाट्सअप नंबर लिया, तो तब से हमारी बात चल रही थी। तो अचानक से उन्होंने एक हफ्ते बाद मुझे रिप्लाई देना बंद कर दिया, तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि उन्होंने कहा था कि मैं आपके साथ कोलैब करूँगा, तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि कोलैब नहीं होगा और शायद अब भाई मुझे दोबारा मैसेज भी ना करें। तो अचानक से कल मैसेज आया भाई का कि भाई मैं वाई फोर आ रहा हूँ तो तुम भी आ जाओ। तो मैंने कहा हुआ, तो मैंने भाई के साथ कोलैब किया, तो आप जरा वो वीडियो देखें। मालूम है तो सुन, हमें वही था जब यूज मेरे दो थे, हमें वही था सुनाने वाले सौ थे, हमें वही था जब लोगों ने कहा कि तेरी बोली नहीं चलेगी, लेकिन आज देखो जाम हुए। ए छोटे ध्यान दे रे फ्लो पे, अपने गाने पे नाचे बॉलीवुड के पोते, मजे ले ले लाला आजा मेरे शो पे, क्या करूं बीट पे जब मिलते मुझे मौके, मेरे गाने मेरे आंसू को पोछे, अंडरग्राउंड यहाँ तक पहुंचेगा क्या कभी तुम सोचे, इंडिपेंडेंट सीन बात कम शॉर्ट ज्यादा दूर करने आया हूँ मैं ड्रामे और लोचे, जरा पर अटकेले है बीच में ही, इनका ऑर्गेनिक रीच नहीं, अगर एड़े चले करेगा कहीं पे मेरे बारे में तो तेरे को मिलेगा मेरे जैसा कोई नीच नहीं, आउट ऑफ रीच पे हाँ बीच पे हूँ मैं, ऊपर वाले के दिए उम्र के लीज पे हूँ मैं, छक्के मारने के लिए खड़े लखनीस पे हूँ मैं, दौड़ लगाने के लिए तैयार नीस पे हूँ मैं, इंक्रीज पे हूँ मैं डिक्रीज पे है तू, खुद को काम देना जानता हूँ। जो जिस भाई का मैंने नाम लिया था, मतलब पाकिस्तान के लिए उन्होंने काफ़ी वीडियोस बनाई और बहुत मशहूर है, और इंडिया को और इंडिया की जो मीडिया है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, और वो भाई ऐसे हैं, मैं अभी आपसे उनसे मिलवाता हूँ, बेस्ट यूट्यूबर हैं, और ऐसा काम मतलब बड़े से बड़े यूट्यूबर नहीं कर रहे लेकिन वो कर रहे हैं माशाल्लाह। तो मैं अभी आपसे मिलवाता हूँ बलोच भाई से। तो जी ये हैं बलोच भाई। तो अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आप बता दें कुछ अपने बारे में। यार देखो मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, ये भाई की जो है बड़ापन है जो मुझे इतना बड़ा बना रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, एक लाख देखिए सब्सक्राइबर से कोई यूट्यूबर बड़ा नहीं होता। जी जी सब्सक्राइबर से कोई बड़ा नहीं होता, ऐसे तो बड़े बड़े हैं जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, बस ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, तो यार जो मेरे चाहने वाले इस वक्त देख रहे हैं, मैं यही गुजारिश करूँगा कि शाहज़ेब भाई को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियोज़ को जो है लाइक किया करें। मैं भी यहाँ पर एक ब्लॉग ही बना रहा था तो मेरी मुलाकात हो गई इनसे। आप ज़रा इमेजिन करेंगे जिस बंदे को आपने लैपटॉप या मोबाइल पे देखा हो, यूट्यूब पे देखा हो और एकदम से वो आपके सामने आ जाए, तो आपका जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा। मेरे साथ भी ये हुआ था कि जब वो एकदम से मेरे सामने आ गए थे तो सिर्फ मैं उनको ही देख रहा था, तो वो थोड़े से घबरा रहे थे भाई क्या हो गया, सिर्फ मैं उनको ही देखी जा रहा था कि बलोच भाई है, तो थोड़ा मैं कन्फ्यूज़ भी हो गया था। तो मैं जब ब्लॉग बना रहा था, आमतौर पर मैं इतना कन्फ्यूज़ नहीं होता ब्लॉग बनाते हुए, और जितने भी लोगों मैं ब्लॉग बना लेता हूँ, लेकिन जैसे ही भाई सामने आया तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया, तो उल्टी सीधी हरकतें की, तो वो भी देखें आपका। ये है हमारे वन एंड ओनली बलोच भाई। तो आज इनसे मुलाकात हो गई तो बड़े अच्छे हैं यार, हम जैसे छोटे यूट्यूबर टाइनी यूट्यूबर को कुछ नहीं होता टाइम दिया इन्होंने, छोटा मोटा कुछ नहीं होता, टाइनी वाइनी वो लाहौरी बोलते हैं भाई, हम कराची वाले, लेकिन कराची वाले हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है वो भाई जान फिर से बोल दें कि सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब करना ज़ेबी ब्लॉग्स को। जी जी बिल्कुल। वहाँ पे और भी यूट्यूबर आए हुए थे, जैसे कि छोटू पाकिस्तान के नाम से प्रैंकस्टर है, बहुत ज्यादा मशहूर अच्छे प्रैंकस्टर है, हमारे म्यांमार के प्रैंकस्टर है। तो मुझे कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई लेकिन मेरी वहाँ पे मुलाकात हो गई उनसे, तो वो भी देखिए आप तकरीबन 3 फीट के होंगे तकरीबन, आप जरा चेक करें हाइट चेक करें। अब हमें क्या नाम है, 10 3 3 ओनली 3 फीट ओनली 3 फीट यस देखो भाई ये भाई इतना मजाक करो जितना बाद में। दोस्तों यार मेरा नाम चिराज एसके नाम है, जिससे मैं बहुत फेमस हूँ, एसके के नाम से बहुत फेमस हूँ। आप चाहे तो मुझे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल भी है मेरा छोटू पाकिस्तानी के नाम से, और फेसबुक पे भी मेरा नाम चिराज एसके ही है, और टिकटॉक पे चिराज एस डॉट एसके ऑफिशियल। ठीक है
जी अभी हम जा रहे हैं, तो वर्ष भाई ने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतने छोटे टाइनी यूट्यूबर, मतलब जिसके भाई भी नहीं है, कह रहा कोई टाइनी वाइनी नहीं होता तो फिर हम समझते हैं काम से पहचाना जाता है। काम से पहचाना जाता है। काम माशाल्लाह आपका भी बहुत अच्छा है जी, इंशाल्लाह जरूर ग्रो करेंगे। आप भी शुरू में यही होता है यार, सबके साथ यही हाल होता है, तो परेशान नहीं होना चाहते भाई। तो बलोच भाई का साथ है तो कोई टेंशन नहीं है, तो ठीक है भाई, भाई अल्लाह की साथ साथ है ना, फिर कोई टेंशन, कोई अल्लाह अल्लाह भाई ने बलोच भाई मुझे बार बार कहते हैं कि सब्सक्राइबर इतने अहमियत नहीं रखते, बंदे के कंटेंट में दम होना चाहिए और बंदे में दम होना चाहिए। तो मैंने कहा जी जी, मैं भी इस बात से एग्री हूँ, क्योंकि सब्सक्राइबर इतनी बड़ी बात नहीं है, सब्सक्राइबर तो हर कोई गेन कर लेता है, लेकिन कंटेंट में दम होना चाहिए। तो मैंने मुझे बहुत सी चीज़ें बताई और बहुत सी चीज़ें समझाई कि इस तरह यूट्यूब पर वर्क करो और इस तरह। तो थैंक यू यार, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और ईगल आर्मी का हिस्सा बन जाए। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपनी राख से टूट जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा।